राजस्थान में भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान में कोरोना का प्रकोप 22 जिलों तक फैल चुका है और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में आज 24 नए और कोरोना पॉजिटिव सामने आए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 325 हो गई। जोधपुर में 9, जैसलमेर में 7, बांसवाड़ा में 4, जयपुर में 3 और चूरू में 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तमाम कोशिशें चिकित्सा विभाग के द्वारा की जा रही है। लगातार अलर्ट होकर सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 325 आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 नए और कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए 325 आंकड़ा पहुंच चुका है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार से चिकित्सा विभाग अलर्ट है, किस प्रकार से मरीजों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, किस प्रकार से उनका इलाज किया जा रहा है? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज 9 बजे अंतिम रिपोर्ट आई, जो उसी में राजस्थान में कोरोना के 24 और नए मामले सामने आए हैं और अब कुल आंकड़ा 325 पहुंच चुका है कोरोना का। जिस तरह से लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसी में बात करें तो राजस्थान के 22 जिलों में कोरोना ने अब तक दस्तक दे दी है। इसी तरह बात करें तो जयपुर में सबसे अधिक जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है वो सामने आए हैं और अब 103 कोरोना के पॉजिटिव जयपुर में मिल चुके हैं, जिनमें 77 से अधिक जो कोरोना के जो पेशेंट है वो केवल जयपुर के रामगंज क्षेत्र से है। इस तरह से जयपुर के रामगंज में अधिक कोरोना के पॉजिटिव मिलने के साथ में ही पूरे चार दीवारी क्षेत्र में जो वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां पर किसी तरीके के अंदर प्रवेश और बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं दी गई। इसी तरह जयपुर के साथ साथ में जो अन्य 22 जिलों में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उनमें 6 जिलों में और इनके कोरोना हॉटस्पॉट इनको बन चुके हैं, जहां पर सबसे अधिक संख्या में फिर से जो कोरोना के मरीज है वो सामने आ रहे हैं। बात करें कोटा में, कोटा में सबसे अधिक एक ही दिन में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जो बड़ी संख्या है। इसी तरह जैसलमेर में भी अधिक संख्या में जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है वो सामने आए और अब जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में भी 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उसमें 7 कोरोना पॉजिटिव आज ही एक ही दिन में सामने आए हैं, जो एक बड़ी संख्या कही जा सकती है। इसी तरह बात करें तो भीलवाड़ा में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, वहीं जोधपुर में 30 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जो बड़ी संख्या है। इसी तरह बात करें तो झुंझुनू में 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, वहीं टोंक में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने। इस तरह से 22 जिलों में अलग अलग संख्या के आधार पर जो कोरोना पॉजिटिव बड़ी संख्या में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है चिकित्सा विभाग से। जी बिल्कुल लोकेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि पहले जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया था उनके अलावा बाकी मरीजों की हालत फिलहाल कैसी है, ठीक होने के कितने उनके चांसेस हैं, किस प्रकार से उनको इलाज दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार विभाग काम कर रहा है उसमें करीब 40 से अधिक जो कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उनकी रिपोर्ट डेंगू आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से अन्य जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उनका भी उसी तरह से इलाज किया जा रहा है जिस तरह से पहले किया जा रहा है। हालांकि जो इनके मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो अस्पताल है प्रदेश के, उनमें अधिक संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज वो पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो तमाम सुविधाएं हैं वो वहाँ अच्छे तरीके से उपलब्ध हो रही है और उसी को देखते हुए वहाँ पर अधिक संख्या में मरीज भेजे जा रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर इलाज हो सके और जल्दी से जल्दी जो कोरोना का संकट है वो दूर किया जा सके। बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें लगातार चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है, लगातार इलाज किया जा रहा है। 325 आंकड़ा फिलहाल हो चुका है।